dear students the topic which we are going to discuss is minimizing the problems of automation here we have to see there is a theory which will guide us how we can minimize the problems of automation this theory developed as socio-technological system theory this theory has six components which are as follows the most important is variance control boundary location work group management support designing process एंड द लास्ट वन इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अगर इन की को हम देखें तो यहाँ पर जिस बात पर हमारा फोकस है वो ये है कि आटोमेशन को अगर प्रॉपर प्लान किया जाए एग्जीक्यूट किया जाए इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप काफ़ी हद तक इनके पोटेंशियल प्रॉब्लम से बच सकते हैं बेसिकली ये यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई है जापान की इसके मुताबिक हम लोग ये देखते हैं कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए ऑटोमेशन की तो पहले एक मशीन के ऊपर एक शख्स काम करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब ऑटोमेटिकली सी एन सी जैसे मशीन है हम उसमें कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन पुट कर देते हैं और ऑटोमेटिकली वो सारी वर्किंग हमारी चल रही होती है अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं पोटेंशियल ऑटोमेशन की उनको कम करने के लिए अगर की इसमें देखा जाए वो ये है कि अगर थेरी के मुताबिक काम किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क प्लेस के अंदर हम लोग ऑटोमेशन को प्रॉपर एग्जीक्यूट करें तो काफी हद तक जो हमारे प्रोफेशनल वर्किंग हेल्दी एनवायरमेंट है उसके ऊपर हम लोग काबू पा सकते हैं मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑटोमेशन विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर वन वेरियंस कंट्रोल अब इनको वन बाई वन हम लोग एक एक स्टेटमेंट में देखते हैं वेरिएंस क्या है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड स्टेट ऑफ माइंड वो प्रॉब्लम है उसमें जो गैप है उसको वेरियंस कहते हैं अगर आप वेरियंस को कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक एक्चुअल वर्क होगा तो इन दिस वे यू कैन कंट्रोल योर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बाउंड्री लोकेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू वर्क योर वर्क वर्क ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम वर्किंग ग्रुप्स बनाते हैं उन ग्रुप को कैसे हम लोगों ने प्लान देना है एग्जीक्यूट करना है और इम्प्लीमेंट करना है और उस सारे काम में अगर मैनेजमेंट की सपोर्ट ना हो तो आप किसी तरह भी अपने डिजायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते डिजाइन प्रोसेस ये एक इंपॉर्टेंट टूल है इसमें डिज़ाइनिंग प्रोसेस फेज के ऊपर ही ये देखा जाता है कि किस बंदे ने क्या एक्टिविटी कब कहाँ कैसे किस तरह परफॉर्म करनी है इस तरह आप लोग काफ़ी हद तक ऑटोमेशन के अंदर जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट हो सकती हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं मिनिमाइजिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑटोमेशन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क लाइफ इसमें दो चीज़ें होती हैं एक वर्क लाइफ एट द ऑर्गेनाइजेशन है और एक वर्किंग वर्क लाइफ बैलेंस एट योर होम है अगर आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेहतरीन वर्किंग एनवायरमेंट में काम कर रहे हों और विद इन होम भी अगर आप लोगों को रिजनेबल टाइम मिल जाए ले टाइम स्पेंडिंग के लिए तो देर विल बी वर्क लाइफ बैलेंस इस तरह आपकी वर्क लाइफ में क्वालिटी ज़्यादा बेटर एग्जिस्ट होगी देन वर्क साइट एनालिसिस जहाँ पे काम होना है उसका एनालिसिस आपने करना है क्या तमाम चीज़ें आपकी अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के इक्विपमेंट हैं टूल्स हैं मशीन्स हैं मशीनरी हैं लूज टूल्स हैं वो सारे अपने अपने किट बॉक्स में मौजूद हैं वेन एंड वेयर दे विल बी रिक्वायर्ड यू हैव टू यूज़ देम और लास्ट पॉइंट है कि ये सारी चीज़ें उस वक्त पॉसिबल होंगी जब आपके एम्प्लॉय को वेल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी मैंने आपको एक दफ़ा पहले डी स्टूडेंट्स बताया था मैं रिपीट कर रहा हूँ training is a transformation of knowledge from one person to another person. So he or she can transform the skill in other people so they can perform their duties in a better way. Organizations can the job be problem exists to mechanical problem how hazards ke relevant ho, chemical ke relevant so administrative problems ho, again imply well equipped have well trained hai, he or she can easily manage that problem. चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जब आप लोगों ने काम कर लिया तो आपने ये देखना है कि फ्यूचर में किस किस्म के चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं डिवेल्पिंग ऑटोमेटिक सिस्टम ऑटोमेट सिस्टम जब तक नहीं होगा उस वक़्त तक आप ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल वे में अप्रेड नहीं कर सकते फ्यूचर के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तमाम जो एक्टिविटीज़ होंगी वो ऑटोमेटिक होंगी टेक्निकल डिवेलपमेंट बींग वट इट इज सेफ्टी एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स असोसिएटेड्स विद द आटोमेशन प्रोडक्टिविटी सर्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू इनक्रीज हमें मालूम है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो जब वो इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको ज्यादा पे ऑपरेट करना पड़ेगा तो उन चीज़ों को देखते हुए आपको टेक्निकल असिस्टेंस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंग टू सुचिया ऑफ जापान यूनिवर्सिटी द चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर इज टू क्रिएट जॉब्स विच आर फ्री फ्राम स्ट्रेस एंड मेस्कुलर एग्जॉसन ऑर्गेनाइजेश्स के अंदर वो जॉब डिवेल्प करें जहाँ पे किसी भी किस्म की स्ट्रेस और मस्कुलर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ना करें फिर वो इम्प्लाई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी चैलेंजिंग होगी इंटरेस्टिंग होगी और ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल की जॉब सेटिस्फेक्शन फिर ज़्यादा होगी द फ्यूचर होल्ड्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट विल हैव टू बी एड्रेस इन दिस वे इंक्रीजिंग इंटेंस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इस स्टेटमेंट से आप डी स्टूडेंट्स डिनाई नहीं कर सकते हम लोग सिर्फ लोकल लेवल पे कम्पीट नहीं करते जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसके दो असूल होते हैं वी विल गो इंटरनेशनल एंड नंबर टू वी विल स्टार्ट अप बिजनेस फॉर इनफिनिट पीरियड ऑफ टाइम तो हमारा जो पहला पॉइंट है उस पर यहाँ पे फोकस है अगर आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे मूव करते हैं तो डेफिनेटली द स्टैंडर्ड विच यू विल प्रिपेयर फॉर योर प्रोडक्ट मस्ट मैच विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन चीज़ों को देखते हुए आपको आईएसओ की सर्टिफिकेशंस भी लेनी है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अपना जो ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोसेस है उसको भी इंटरनेशनल लेवल पे रखना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट कर सके ये हमारा बहुत बड़ा फ्यूचर चैलेंज है द लेवल ऑफ मेंटल स्ट्रेस इज लाइकली टू इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑटोमेशन में काम ठीक है हमारे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हो रहा है लेकिन जब आप लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पुट करेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेस उसमें इन्वॉल्व होगा अगर आपकी पहले से ट्रेनिंग है बिहेवियर की मेंटल की तो आप लोग इजीली ये चीज़ें मैनेज कर लेंगे लेकिन अगर आपकी इसकी ट्रेनिंग नहीं है और कैपेसिटी नहीं है आप में और आपके नॉलेज और स्किल और एबिलिटीज नहीं है तो देन डेफिनेटली इट विल बिकम अ बिग चैलेंज फॉर योर एम्प्लॉज ऑटोमेशन एंड कम्पिटिशन आर लाइकली टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एंगजाइटी अमंग द वर्कर्स दो चीज़ें हैं एक ऑटोमेशन है और एक है ऑटोमेशन से हमें मालूम है कि तमाम चीज़ें आसानी से ऑटोमेट नहीं की जा सकती इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और जब ऑटोमेशन आती है तो आपके वो लोग जो मैनुअल काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है मैनुअल जो काम कर रहे हैं अपने हाथ से उनको पहले मशीन ट्रेनिंग दे, ताकि वो ऑटोमेशन प्रोसेस का हिस्सा बन सके और उसके साथ ही कंपटीशन में आपने मूव करना है तो एंग्जाइटी तो एग्जिस्ट करेगी आपने डेली बेसिस के ऊपर मार्केट में जो चेंजेस आ रही हैं उनको अडॉप्ट करना है एक्सेप्ट करना है अपने आप को प्रिपेयर करना है तो इस तरह भी ये हमारे लिए एक बेसिक और बिग थ्रेट बन सकता है फ्यूचर के लिए न्यू ऑक्यूपेशनल डिजीज रिलेटेड टू मेंटल विजुअल एंड मेस्कुलर प्रॉब्लम्स ये तीन चीजें इसमें डी स्टूडेंट्स आपके लिए हमने डिजाइन की हैं मेंटल स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस और विजुअल ये जो आइज के हवाले से भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो सकती है अगर आपका ज़्यादा काम बैठ के कंप्यूटर पे हर वक्त आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली माइट पॉसिबल इट मे इफेक्ट योर विजुअल इफेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर मस्कुलर इफ योर मस्कुलर आर रिलैक्स एंड यू आर डूइंग योर जॉब विद इन अ मस्कुलर देर इज नो प्रॉब्लम इन योर मसल्स देन ऑटोमेटिकली द वर्क पोटेंशियल एंड द रिजल्ट ऑफ योर वर्क विल बी बेटर देर इज लाइकली टू बी इंक्रीज इंट्रोडक्शन ऑफ रिबोट हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि ऑटोमेशन रिबोट्स के बगैर मुमकिन हो सके जब आप ऑटोमेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ अगर मेरी जगह पे कोई रिबोट हो तो रिबोट ऑटोमेटिक अगर ये चीज़ें ऑपरेट कर ले तो उससे डिजायर रिजल्ट अचीव हो सकते हैं लेकिन उसके लिए भी हमें मैन पावर रिक्वायर्ड है जो उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेगी तो इसलिए मैनुअल एक्टिविटीज़ को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं रिबोटिक्स के साथ रिबोट के साथ लेकिन फिर भी मैनुअल इन्वालमेंट मेंटल स्ट्रेस ये चीज़ें वहां पे रिक्वायर्ड होती हैं अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए स्टूडेंट्स मैंने दिवा की है वो ये है कि सुच यस द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज फॉर एनहानसिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ टूमारोज ऑटोमेटेड वर्क प्लेस कि फ्यूचर में जो ऑटोमेटेड वर्क प्लेस होगी उसमें हमें क्या करना चाहिए टेक्नोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेस मस्ट बी डिज़ाइन टू टेक एंड टू अकाउंट द फिजिकल मैंटर अगर आप लोग फिजिकल मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे फिजिकल का मेंटल हेल्थ का तो आप लोग डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते वर्कर्स विल नीड अ ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूल रीट्रेनिंग सेफ्टी एंड हेल्थ क्वालिटी ऑफ वर्क विल द डिजाइनिंग फेज एडिशनल रिसर्च विल हैं अगर इन फोर पॉइंट्स का कंक्लूजन निकाला जाए तो वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रोफेशनल की ट्रेनिंग के बाद री ट्रेनिंग होनी चाहिए अगर कोई नया मेड्यूल आता है तो उसके मुताबिक ट्रेनिंग होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी है वो सफल नहीं होनी चाहिए क्वालिटी के मैनुअल होने चाहिए उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और लास्ट में डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू रहना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रिटिकल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम यूज टू बी कमर्शल एवियशंस में भी कंसिडर बाई द कंपनी फॉर कलेक्टिंग सेफ्टी एंड हेल्थ डेटा आप मुख्तु जगहों से डेटा कलेक्ट करके आर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मज़ीद बेटर कर सकते हैं हमें मालूम है कि आर्गनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है फाइनानस है अकाउंट्स है एच आर है मार्केटिंग है आप इन सब डिपार्टमेंट्स के जो लूप होल्स हैं उनको आप रिसर्च करके उनको इम्प्रूव करेंगे आटोमेटिकली योर आर्गनाइजेशन विल ग्रोन अप अब लास्ट में डि स्टूडेंट्स जो पॉइंट आपके लिए हमने राइट डाउन किए हैं उसमें ये है कि शुड फोकस एक्सीडेंट प्रिवेंशन एक्टिविटीज तमाम जगह पे अगर डिजायर रिजल्ट अचीव नहीं हो सकते दे शुड आल्सो बी इन्वॉल्व इन सिस्टम डिजाइन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंसमन परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस है जिसका माइंड के साथ है अगर आपकी कॉग्निशन परफॉर्मेंस ठीक है तो बॉडी परफॉर्मेंस ओवरऑल वर्क परफॉर्मेंस एवरीथिंग विल बी बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन